नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। मैं हूँ आस्था त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे हमारे बीच आ चुके हैं और इसी बीच दीवान पब्लिक स्कूल के एक छात्र जिसका नाम आराध्या चौधरी है, जो कि पन्नापुरी हापुड़ की रहने वाली हैं, उन्होंने दीवान पब्लिक स्कूल को टॉप करा है। आज हम आए हैं आराध्या के घर उनसे जानने और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने कि उनकी इस सफलता में किस किस का कितना अहम रोल है। सबसे पहले आराध्या, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताएं, आपको टॉप करके कैसा लग रहा है? काफी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे अंदर से टॉप करके। और पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं आप पे? हाँ जी, पूरे प्राउड फील कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी मेहनत का श्रेय, आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको मिला है, तो आप अपनी मेहनत का श्रेय तो किसी को नहीं देना चाहेंगे, लेकिन आप ये बताएं मुझे कि आपको किसने इतना प्रेरित करा कि आपको टॉप करने में इतनी आसानी हो गई? प्रेरित मेरे को मेरी फैमिली ने, साथ वालों ने और टीचर्स ने बहुत प्रेरित करा गया, मेरे को बहुत हेल्प दी गई स्टार्टिंग से एंड तक, जिससे मैं ये चीज अचीव कर पाई। स्कूल टीचर्स का कितना रोल रहा? स्कूल टीचर्स ने काफी हेल्प करी मेरी, जहाँ पे भी मैं अटकी, जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आई, उन्होंने हेल्प करी मेरी काफी। जैसा कि अभी मुझे पता चला, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका फैमिली बैकग्राउंड ही एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपके फादर प्रिंसिपल हैं, आपकी मदर टीचर हैं, तो एक ये भी रीजन मैं मान लूं कि आपके ऊपर प्रेशर था कि आपको टॉप करना है? नहीं, प्रेशर कभी नहीं रहा मेरे पे, ये मेरे को खुद से मोटिवेशन रही अंदर से कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और अच्छा उनको प्राउड फील करवाऊं। तो फिर कितने घंटे आप पढ़ा करती थी? घंटे मेरा कांस्टेंट रहा है, पढ़ाई का टाइम पीरियड मैंने डेली 3 से 4 घंटे का ही करा और मैंने सारी चीजें मैं बैलेंस करके लेके चली अपनी, सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रही। तो जैसा कि मैंने आपका रिजल्ट देखा, तो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आप इंग्लिश में 100 out of 100 और फिर सोशल साइंस में 100 out of 99 आपने कराए हैं। तो मुझे ये बताएं, सोशल साइंस से आपका इतना लगाव क्यों है? मेरे को बचपन से ही वो सब्जेक्ट काफी अच्छा लगा और मैंने बचपन से ही वो सब्जेक्ट इतना दिल से चाह के पढ़ा है कि बस वो मार्क्स आ गए। लेकिन बच्चे सोशल साइंस पढ़ना नहीं चाहते हैं, हिस्ट्री उन्हें बिल्कुल याद नहीं होती है, तो आपने हिस्ट्री रटी है या फिर आपने समझी है? हिस्ट्री वैसे मेरा बचपन से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा, हिस्ट्री और बायोलॉजी मेरे दो फेवरेट सब्जेक्ट रहे, तो हिस्ट्री इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहा मेरे लिए कभी। हिस्ट्री चैलेंज नहीं था? तो फिर ट्यूशन पढ़ा है आपने? ट्यूशन मैंने मैथ्स और साइंस में हेल्प ली थी टीचर्स की। स्कूल टीचर्स का क्या रोल था? स्कूल टीचर्स ने बहुत हेल्प करी मेरी स्टार्टिंग में, प्री बोर्ड में जहाँ पे भी मैं अटकी हूँ, जहाँ पे भी थोड़ी सी उनको कमी महसूस हुई उन्होंने हेल्प करी है वहाँ पर। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं पहले तो अपने आप को ही देना चाहूंगी मेहनत के लिए, बाकी फिर मेरे पेरेंट्स और फैमिली को जिन्होंने मेरे को